अब खबर भरतपुर के डिग से है, जहां कठेरा चौथ गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। इस घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप कराया और मामले की जांच में जुट चुकी है। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी मां का देहांत हो चुका है और इसके बाद से आरोपी पिता नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपनी नानी को दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कटेरा चौथ की लड़की अपने नानी और मामा के पास थाने पर आई। उसने रिपोर्ट दी कि उसकी माँ का देहांत मार्च 2015 में हो गया था। उसके बाद से वो अपने पिता के साथ रह रही थी। 10 वर्षीय भाई भी उसके साथ था। अक्टूबर 2018 से वो बता रही है कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया और तब से लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अब लड़की के ननिहाल में शादी की गई, उसमें जब वो गई तो उसने अपनी नानी को ये बात बताई, तो वो लोग लड़की को लेकर आए, FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करने के बाद लड़की का मेडिकल मुआयना करवाया जा चुका है, घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और अनुसंधान